शहर के रेशिमबाग ग्राउंड पर रेशिमबाग प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का आयोजन किया गया था, जिसमें करीबन 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस लीग का आयोजन बीते 3 सालों से इमरान पठान इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें दक्षिण नागपुर की टीम शामिल होती है। रेशिमबाग प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 को मुख्य अतिथि के रूप में बीसीएन न्यूज और बीटीपी ग्रुप के फाउंडर सिराज शेख, बीसीएन न्यूज के डायरेक्टर इमरान शेख, कांग्रेस के इरशाद अली मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान आयोजक इमरान पठान द्वारा उपस्थित अतिथियों का शाल और फूल देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रेशिमबाग प्रीमियर लीग के आयोजक इमरान पठान बीते 2 सालों से इस क्रिकेट लीग का आयोजन करते आ रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि इस लीग को इस उद्देश्य से आयोजित किया जाता है कि रेशिमबाग की जो टीम है जिन्हें खेलने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, ऐसे खिलाड़ियों के हुनर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस लीग का 2 दिवसीय आयोजन किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी आपने रेशिमबाग प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन किया, ये तीसरा साल है आपका, जी क्या बताओगे इसके पीछे का उद्देश्य? हमारा मोटो ये है मैडम, जो हम तीसरा साल है, हमारे जो रेशिमबाग की टीम है, जो छोटे मतलब जिनको ज़्यादा खेलने का चांसेस नहीं मिलता है, सैटरडे संडे खेलते हैं, तो हमारा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है, मेरा अमित भैया साथ में है, सहजाद भाई साथ में है, इरशाद भाई साथ में है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चा बाहर कहीं जा नहीं पाते हैं, उनको कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले, उन लोग कुछ ट्रॉफी जीतने का उनको भी एक प्रोत्साहन मिले। आजकल देखा जाए क्रिकेट एक पैसों का गेम हो गया है, जहाँ पर भी जाओ, किसी को भी मतलब ऑर्गेनाइज करने जाओ तो बड़ी बड़ी टीमें बहुत दूर दूर से प्लेयर खेलने आ जाते हैं, तो ऐसे जो टीमें हैं उनको चांस मिलता नहीं है। तो ये हमारा तीसरा सीज़न है, हम लोग वही चाहते हैं कि जो लड़के प्रैक्टिस टीमा करते हैं, जो सुबह मॉर्निंग में आके प्रैक्टिस करते हैं, हम उन्हीं को चांस देते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा तीसरा सीज़न है और हमारे तीसरे सीज़न में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कंटिन्यू हमको मतलब टीमा का बहुत फ़ोन आता है कि मतलब पहले से वेटिंग हो जाता है कि मैडम हम सर हमको आपके इसमें और टूर्नामेंट में हमको एंट्री करना है, पर हम फिर भी कैसा है 2 दिन का टूर्नामेंट होता है तो 16 ही टीमें हम लोग सेट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। तो आने वाले सीज़न जैसा भाईजन ने बोले हैं तो हम इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि इसको 5-6 दिन का करें और 5-6 दिन में जो भी टीमें इससे 3 साल से वंचित रह चुकी है वो हमें और पार्टिसिपेट करें, उनको भी हम मौका दें। ये 2 ही दिन का था जिसमें 16 टीमें लिए हैं, 16 टीमों में से हमने अभी मतलब 2 दिन का हो गया, बारिश की वजह से खलल हो गया, नहीं तो हमारा हर मैच 8 ओवर का रहता है। अभी हम लोगों को मजबूरी की वजह से और अपना जो वेदर है इसके वजह से हमको टूर्नामेंट 5-5 ओवर का कराना पड़ा है और इसके बाद अभी फाइनल है और फाइनल में काफ़ी अच्छा होगा, आप भी देख सकते हैं, और ऑर्गेनाइज भी अच्छा होता है, भाईजन का सपोर्ट है, भाईजन ने हमें इस बार हमें ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह इस साल आगे अच्छा भी करेंगे। साथ में गिरीश भाऊ पांडव है, अपना अतुल लोंडे है, विशाल भाऊ है, इनका सबका सहयोग के साथ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, टीम सभी दक्षिण नागपुर के रहते हैं, आसपास के जो बच्चे हैं उनको हम लोग मौका देते हैं, बाहर की टीम हम लेते नहीं है। ठीक है, इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में बीसीएन न्यूज और बीटीपी ग्रुप के फाउंडर सिराज शेख उपस्थित थे। इस समय उनके द्वारा रेशिमबाग प्रीमियर लीग 2024 के लिए शुभेच्छा देते हुए इस आयोजन की सराहना की, साथ ही उन्होंने कुछ बदलाव करने के सुझाव भी आयोजकों को दिए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, यही से प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार होने में मदद होती है। इसी के साथ ही खिलाड़ियों को शुभेच्छा और आयोजकों को धन्यवाद दी है। हमारे इरशाद भाई हीरो ने हमें मेहमान बन के बुलाया यहाँ पे, हम आए और अच्छा लगा टूर्नामेंट, कई दिनों से मैं क्रिकेट मैच देखा नहीं तो मैं उसको फ़ोन किया, यार मैं जल्दी आ जाता, संडे का दिन मैं मैच भी देख लेता, तो अच्छा लग रहा है देख के, ऐसा आयोजन लोग करते रहो और ऐसे आगे बढ़ो। आपका ये फर्स्ट टाइम है कि सेकंड है? थर्ड सीजन है, ऐसा आगे और करो और अच्छे तरीके से करो, सबको यूनिफॉर्म में करो तो उसका लुक और अच्छा आएगा, ऐसा मैं भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे को तो सबसे अच्छा हॉकी पसंद आता है, आपको सही बताऊँ तो हॉकी अपना इंडियन का नेशनल गेम भी है, पर क्रिकेट की आजकल धूम बहुत मची है, क्रिकेट भी बेस्ट गेम है, अच्छा गेम है। मैं चाहूँगा कि आज के नौजवान से कि हॉकी को भी ना भूले, क्रिकेट का भी लुप्त उठाएँ और ऐसे ही टैलेंट ही उभर के ऊपर तक के जाते हैं छोटे छोटे टीमों से निकल के, तो मैं चाहता कि आगे अच्छे अच्छे टीम को ला, अच्छे अच्छे नौजवानों को मौका दे। आज आपको बहुत धन्यवाद करूँगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया भाई ने, लेकिन नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा अरेंजमेंट करे ऐसी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे आने वाले दोनों हीरो है, कल के नए लीडर है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको और जनता में इनका डिमांड बढ़े, लोगों से अच्छे काम करने की
आज क्रिकेट जैसा खिला रहे हैं, वैसे बस्ती के अपने अपने बस्ती के अच्छे काम करे और सूझबूझ से लोगों को लेके चलने की इनकी अपेक्षा हो। इरशाद अली द्वारा इस टूर्नामेंट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के कारण खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिला है अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए। साथ ही वे बोले कि इस तरह के आयोजन को एक अच्छा मार्गदर्शन और सपोर्ट की जरूरत होती है, जो बीसी न्यूज और बीटीपी ग्रुप के फाउंडर सिराज शेख द्वारा किया गया है। आगे भी इसी तरह उनका साथ मिले ताकि बच्चों के लिए इस तरह की टूर्नामेंट का आयोजन होता रहे। इमरान पठान साहब ने जो ये टूर्नामेंट यहाँ आयोजन किया है, उससे बच्चों को बहुत बढ़िया फील हो रहा है और हमारे साथ में जो बैठे हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई सिराज भाई, इनका बहुत सपोर्ट है और ऐसे हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे भाई, बड़े भाई हमारे को सपोर्ट करें और बच्चों का आगे मनोबल बढ़े। इस समय उपस्थित अमित शिंदे ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट की आज जरूरत है, क्योंकि बच्चे मैदानी खेल खेलेंगे और इस तरह के आयोजन से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। रेशमबाग प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये जो टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, इसका मकसद ये है कि आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है और बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक लड़के इस ग्राउंड पर है उनका माइंड फ्रेश होता है, दूसरी बात नशे की आदत से दूर रहते हैं, तो समाज और लोगों ने ये निश्चित प्रयास करना चाहिए। जैसे इमरान भाई ने बताया कि नए बच्चों को खेलने के लिए चांस नहीं मिलता, तो वो मकसद है कि इस टूर्नामेंट में वो बच्चे खेले और आगे उनका हुनर है वो आगे आए, और जब हुनर आगे आएगा तो वो जब तक ग्राउंड पे है उनके एंड में टैलेंट जो है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो आगे वो कुछ कर सकते हैं और इन सारी बातों से जो बाहर में है उससे दूर रह सकते हैं। एक अच्छा आयोजन है, इस प्रकार का आयोजन हमेशा होना चाहिए, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। रेशमबाग प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल राउंड में पहुंचने वाली दो टीम वाड़ी 11 और सौरभ 11 में शानदार मुकाबला देखने को मिला। इस फाइनल राउंड में इस साल के लीग की विजेता टीम सौरभ 11 बनी है। विजेता टीम को सिराज शेख इनके हाथों ट्रॉफी और 21,000 का कैश प्राइज दिया गया, तो वही वाड़ी 11 टीम को एक ट्रॉफी और 11,000 का कैश प्राइज दिया गया है। इसके साथ ही खिलाड़ियों में से बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन जैसे विविध प्राइज उपस्थित मान्यवरों के हाथों वितरित किए गए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।